हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिपाली और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मेटा नॉलेज क्लब में। दोस्तों, आज कंस्ट्रक्शन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट। पहले बेटा, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम करते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब हमें 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलना है। 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे, देन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। बेटा, ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया है, जो कि जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हमारा 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। उसके बाद कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर से कोई एक पॉइंट है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो बेटा, कंस्ट्रक्ट द टेंथ, पहले तो 10 सेंटीमीटर दूर लेना है सेंटर से। 6 तो ये है ही, बाकी का कितना और लेना है, 4 और लेना है हमें, है ना। तो ये आपका क्या हो गया टोटल, हमारा यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और ये आपका ऊपर तक का ये 10 सेंटीमीटर हो गया है। अब इस पॉइंट से आपको रेडियस ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से ये सेंटर O है, इसको हमने P नाम दे दिया। P से हमें इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट बेटा वो होती है जो बिल्कुल सर्कल से टच होके जाती है। तो अब आप कहोगे कि ऐसे ही कर देते हैं इसे, तो ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि वो यहीं पर ही टच हो, है ना। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ सकता है ना, तो इसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको पी ओ सेंटर से जो पॉइंट है, सेंटर का जो पॉइंट है वहाँ से लेकर, और जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, बेटा ये दो पॉइंट याद रखोगे, एक जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक जिस सर्कल पर ड्रॉ करनी है उसका सेंटर, दोनों पॉइंट का क्या करेंगे, बाइसेक्ट, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। और वो कैसे करते हैं, ओपन द आर्क मोर देन हाफ, आधी से ज़्यादा कंपास खोलना है हमें, देन एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे, फिर एक आर्क यहाँ से ऊपर लगानी है और एक आर्क यहाँ से नीचे। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल लेंथ हमारी आ जाएगी। यहाँ पे ये 5 आ गया, यहाँ पे ये 5 आ गया, बाइसेक्ट हो गया, है ना। देख रहे हो, ये 4 था और यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ 6 था, यहाँ एक कम हो गया, तो ये 5 और ये 5 आपका हो गया है। नाउ दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, L नाम दे दीजिए, सही है। नाउ ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट L 5 सेंटीमीटर रेडियस, है ना। एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। तो बेटा ये आपका सेंटर और P से होके जाएगा, क्योंकि उसी का ही आपने बाइसेक्ट किया था। तो अब यहाँ से आपका जो है, देखो ये सर्कल, जो ये वाला सर्कल है उस सर्कल पे कहाँ मीट करता है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया हमने। ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो कि जहाँ से आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, तो ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ होगी। ठीक है बेटा, इसी तरह से यहाँ से आपकी बी पॉइंट से ये वाली टेंजेंट ड्रॉ होगी। इज इट ओके। अब यहाँ पे बेटा आपको और क्या कह रहा है, कि ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। अब बेटा इसकी लेंथ और फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करोगे आप, बेटा जब भी जो टेंजेंट होती है वो हमारी सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, है ना। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो ए पी ओ हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसमें हाइपोटेनियस क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, इट मींस पी ओ जो कि आपका 10 सेंटीमीटर है। जो ये सर्कल था बड़े वाला, इसकी रेडियस कितनी थी, जो इसकी है वही सेम 6 सेंटीमीटर। 5 मत ले लेना, ये तो 9 है, जो ये 5 है, ये 6 ही है हमारी, ये भी 6 है। ठीक है बेटा, तो इससे आप एपी निकाल सकते हो, बट पाइथागोरस यूज करके। पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। ये हाइपोटेनियस है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो बेटा हाइपोटेनस हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AO आपको 6 दिया हुआ है और AP आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 100 माइनस 36 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, AP इज इक्वल टू 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो AP आपका क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा AP की लेंथ जो आ गई है वो 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप बेटा PB भी निकाल सकते हो, वो भी आपका क्या आएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम हाइपोटेनियस रहेगा और यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये वही सेम 6 सेंटीमीटर रहेगी आपका, ये निकालना है तो ये आप निकालोगे सेम आपकी 8 सेंटीमीटर ही आएगी। बेटा समझ आ गया होगा होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।